ये नॉलेज है, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना चाहिए। हम में से कोई ऐसा है जिसके पास ये नॉलेज नहीं है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब आप बताइए हम में से कितने लोग रोज इस रूटीन को फॉलो कर पाते? बहुत कम। लेकिन हाँ, हमारे पास नॉलेज है तो कभी थोड़ा स्वास्थ्य ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो हम उस रूटीन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, 100% हमने फॉलो नहीं किया, 50% ही किया, 40% ही किया, नॉलेज ही तब तो किया। नॉलेज नहीं होती तो वो भी इंप्लीमेंट हम नहीं करते। ऐसे ही अगर मेरे पास ये नॉलेज है कि मुझे जो भी प्राप्त हो रहा है ये मेरे ही कर्मों का फल है। जैसे मैंने आपके लिए जो भी सोचा, मैंने आपके प्रति जो भी बोला और मैंने जैसा भी कर्म किया या जैसा भी आपके साथ व्यवहार किया, ये मेरा कर्म बन गया। मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला और मैंने जो व्यवहार किया, ये मेरा क्या बना? कर्म बना। अब जो आपको प्राप्त हुआ वो आपका भाग्य है। मेरे द्वारा जो तीर छोड़ा गया वो क्या है? मेरा कर्म है। और आप तक वो तीर पहुंचा वो आपका क्या है? भाग्य है। और जो मेरा कर्म है उसका फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? तो मिलेगा। एक बार एक बहन थी, उसकी 2 वर्ष की बच्ची ने शरीर छोड़ा। आप सोच सकते हैं किसी माँ के लिए कितनी दुखद घटना होगी कि उसकी छोटी सी बच्ची ने शरीर छोड़ दिया हो, जबकि उसके पास ये ज्ञान था कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है ये मेरे ही कर्मों का फल। ही ज्ञान था उसके पास, लेकिन उस परिस्थिति के समय इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, इस नॉलेज से अपने मन को शांत कर लेना, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो बार बार यही कह रही थी और भगवान ने रिटर्न में मेरे साथ ऐसा किया। मैंने भगवान की इतनी सेवा की और उसने मुझे यही फल दिया कि मेरी 2 वर्ष की बच्ची उससे अलग हो गई। लेकिन जब शांति में वो बैठी थी और जो कुछ भी उसने सुना था ज्ञान के माध्यम से, उसका अनायास उसके मन में जब चिंतन चलना शुरू हुआ, बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि चिंतन करते करते मुझे स्वीकार हो गया कि जो समस्या मेरे सामने आई है इसमें किसी का भी दोष नहीं। जब तक मैं इसके चिंतन में नहीं थी तब तक मेरा मन अशांत था, तब तक मैं भगवान से कंप्लेन कर रही थी, लेकिन जो कुछ मैंने सुना हुआ था, जब मेरा मन थोड़ा सा शांत हुआ और उन बातों का मेरे अंदर चिंतन चलने लगा तो मेरी सारी कंप्लेन भगवान से खत्म हो गई। और मुझे फील हुआ कि शायद इस आत्मा का इस घर में इतना ही दिन का पार्ट, हम दोनों का जो हिसाब किताब था ना इतने ही दिन का था, तो फिर वो आत्मा इससे ज्यादा टाइम हमारे पास रह नहीं सकती। हमारा कार्मिक अकाउंट इतने ही टाइम का था, इस आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट सेटल किया और ये हमारे पास से चली गई। और हमें लगता है कि बच्ची के रूप में शायद हमारे किसी जन्म के रिश्तों में ये कोई कर्जदार नहीं होगी, जो आया बच्चा कर्ज चुकाया और चला गया, गया तो
दुख भी देकर गया हो, गया तो आप सोच सकते हैं एक फैमिली में अगर छोटा सा बच्चा चला जाए जिसके साथ इतना अटैचमेंट होता है माता पिता का, फैमिली मेंबर्स का, तो उस फैमिली में कितना दुख, कितना दर्द, कितना ज्यादा लोगों के। तो हम सभी को नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ज्ञान सुनते रहते हैं तो जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो सुना हुआ था अगर कुछ परसेंट भी जीवन में अप्लाई हो गया तो क्या होगा, वो हमारे अंदर उस परिस्थिति को पार करने की क्या करेगा, शक्ति देगा। और अगर हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब किताब को सेटल करने का एक और सहज तरीका ये बन जाता है क्योंकि हम नहीं जानते हमारे द्वारा किस जन्म में कौन सा कर्म हुआ है, हम जानते नहीं जानते। प्रेजेंट हमारे सामने है लेकिन पास्ट लाइफ में क्या हुआ है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो एनर्जी मेरे पास आ रही है वो एक मिरर है जो मुझे बता रही है कि मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है। इसलिए कई बार होता है कि मुंह के लिए बहुत अच्छा करते फिर भी वहां से आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको लगता है इनकी इतनी सेवा करते, इनके प्रति हम इतना अच्छा सोचते हैं और ये तो